तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतर क्लास जिसमें आपको मैथ्स को बेसिक से जानने की समझ मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे हमारे पास ये नंबर होते हैं, या ऐसा कह लो जो संख्या होती है, वो दो तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं चर और एक को कहते हैं अचर। बात अगर अंग्रेजी की हो तो चर को अंग्रेजी में वेरिएबल और अचर को अंग्रेजी में कॉन्स्टेंट कहते हैं। अब ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है? तो चर जितने भी हमारे ए बी सी डी वाले अक्षर होते हैं, वे हमारे होते हैं चर। और जितने भी हमारे वन टू वाले होते हैं सारे, वे होते हैं हमारे अचर। इस तरीके की कुछ बात है। और चर और अचर को यदि मिला दिया जाए तो एक इधर से ले लेते हैं हम और एक उधर से ले लेते हैं फाइव। अब आपको कहोगे फाइव तो इधर है नहीं, तो मैं आपको बता दूं तीन चार पाँच छः ऐसे चलती जा रही पूरी एक कंप्लीट सीरीज है। जैसे यहाँ पर ये बीच में डैश डैश है, इसका मतलब है ए बी सी डी वाले सारे अक्षर इसमें है। तो ये जो हमारा x प्लस पाँच हुआ उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चर और अचर को मिलाने से बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो ये है हमारे चर और ये है अचर, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। अब मिलाने का मतलब जोड़ना कतई नहीं होता, मिलाने का मतलब होता है दोनों एक साथ। तो जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यानी कि एक्स माइनस बीस, बीस भी हो सकता है। इधर से वाई भी ले सकते हैं, वाई इंटू टेन, गुणा भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, एक चर हो या दो चर हो, मतलब कि चर और अचर के मिलने से हमारे बीजीय व्यंजक बनते हैं, ठीक है, या इनका समूह कह लो ऐसा। तो अगर हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी लिख तो लिख सकते हैं वो क्या, तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी चर एवं अचर को मिलाने से बीजीय व्यंजक बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। ये हुई हमारी इसकी परिभाषा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं, इनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे इनकी गुणा की जाती है और कैसे इनकी भाग की जाती है, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं मैथ्स को समझने के लिए ये जो बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाओ गुणा और भाग है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा जाता है और उसके बाद फिर पढ़ेंगे कैसे घटाया जाता है। बहुत ही प्यार से हम इनको समझने वाले हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम बीजीय व्यंजकों का जोड़, बीजीय व्यंजकों का जोड़। तो जोड़ते कैसे, जरा देखो। जैसे हमारे बीजीय व्यंजक है ये 2x प्लस 5, इसमें हमें दूसरा बीजीय व्यंजक जोड़ना है 3x प्लस 8, इन्हें हम जोड़ कहते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे जरा देख लो। तो 2x में 3x जोड़ना है, x वाले में x वाला जोड़ना है और बिना x वाले में बिना x वाला जोड़ना है। तो 2x और 3x कितने हो गए यहाँ पे 5x, और 5 में 8 जोड़ देना है और 8 और 5 कितने हो गए 13। ये इन दोनों का आंसर हुआ। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। तो यदि इसमें हम दूसरा बीजीय व्यंजक लें, ये तो हमारा था प्रश्न नंबर एक, दूसरा ये हमारा है 7x प्लस के 19 प्लस 6x प्लस के 11, ये जोड़ना है।
तो सात एक्स में तो छः जोड़ देना है, सात और छः होते हैं हमारे 13x, और 19 में 11 जोड़ना है, ये हो जाएंगे हमारे 30। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से अगर हम तीसरा सवाल लें तो आ जाएगा 9y प्लस के 5x प्लस के 9 प्लस के 6y 2x प्लस के 11। ये बीज व्यंजक है हमारे दो, इनको जोड़ना है। पर जोड़ते समय आपको ये याद रखना है कि y वाला y वाले में जुड़ेगा और x वाला x वाले में जुड़ेगा, और बिना x वाला बिना y वाला ये एक साथ जुड़ जाएंगे। तो चलते हैं, 9y और 6y तो हो गए 15y प्लस 5x और 2x हो गए 7x प्लस 9 और 11 हो गए 20। तो ये आ गया इनका आंसर। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इनको जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से घटाना भी है। घटाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, घटाते समय थोड़ा सा चिन्हों का ध्यान रखना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे जोड़ना किस तरीके से। बिल्कुल आसान तरीके से आप ऐसे सवाल को कर सकते हैं। अब इनका देखते हैं हम घटाना। घटाने में हम करते हैं ऐसे, एक बीज व्यंजक लिख लिया यहाँ पे, 9x प्लस के 5, इसमें से घटाना है 2x माइनस के 3। तो घटाते समय एक छोटी सी बात याद रखनी कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब चिन्ह कैसे बदलेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लस की गुणा हम प्लस में कर देते हैं तो प्लस आता है, पिछली वीडियो में बताई थी, और अगर माइनस की गुणा माइनस में कर देते हैं तो प्लस आता है, और प्लस की गुणा अगर माइनस में करें तो माइनस आता है, और माइनस की गुणा यदि प्लस में करें तब भी माइनस आता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे है 9x प्लस 5, अब इस माइनस के अंदर गुणा करनी है तो यहाँ पे प्लस होता है, जिसके सामने कुछ नहीं वहाँ पे प्लस होता है, तो माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस के 2x, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3। अब ये है 9x, ये 2x इसमें से माइनस करने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7x, और 5 में 3 जोड़ने हैं ये आ जाएगा 8। इस आसान तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो घटाने में कुछ नहीं, बस माइनस के अंदर गुणा करनी होती है, और गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है, जिसके सामने कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो माइनस और प्लस हो गया माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस। माइनस प्लस किस तरीके से होते हैं वो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। अब लेते हैं इनका दूसरा सवाल। तो ये है हमारा इसका दूसरा सवाल, तो 9y प्लस 11 तो हम यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे, और इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 5y और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और आ जाएगा यहाँ पर 8। उसके बाद 9y में से 5y क्या करना है, माइनस लिखा हुआ तो माइनस करना है, और 9y में से 5y को यदि घटा दिया जाए तो बचेंगे 4y, और 11 में से यदि 8 को घटा दिया जाए तो बचेगा हमारा 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो करना क्या है, पहले वाला जो बीज व्यंजक है इसे तो यहाँ उतार लिया हमने, 7x प्लस 8y प्लस के 12, और इस माइनस के अंदर गुणा करनी है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे होता है प्लस, ये आपको बात याद रखनी है। तो माइनस और प्लस होता है माइनस, यह आ जाएगा 5y, माइनस और प्लस फिर माइनस, यह आ जाएगा 3x, और माइनस और माइनस, बोलो बच्चों आपको यहाँ पे साथ साथ बोलते हुए चलना है, चीज़ों को समझना है। तो माइनस और माइनस, शाबाश। अब देख लो, याद ये रखना है कि x वाले में जुड़ेंगे और y वाले y में जुड़ेंगे। तो x वाले कितने हैं यहाँ पर, यह है 7x और ये रहे 3x, तो यहाँ पे घटेंगे, तो 7x में से यदि 3x को घटा दिया जाए तो आ जाएगा 4x, और 8y में से 5y घटेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 3y, और 12 में 10 जोड़ने हैं तो आ जाएगा 22। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ना और घटाना बहुत ही आसान है।
जिस तरीके से हमने आपको बताया। अब गुणा कैसे होगा उसको भी सीख लेते हैं। तो गुणा होती है ऐसे, जैसे यह है x, इसकी गुणा करनी है हमें x में, तो x की x में गुणा करके क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिसकी घात कुछ नहीं होती एक होती है। अब ये घात क्या होती है, एक नया शब्द निकल के आपके सामने आया, जैसे ये है y, तो यहाँ एक इसकी पावर होती है, इसे कहते हैं हम घात, अंग्रेजी में पावर। जैसे ये लिखा हुआ, इसे पढ़ेंगे x की घात 2, इसे पढ़ेंगे z की घात 10, तो एक नया शब्द है घात। तो गुणा करने में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर हमारी x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 1 है, और जब हम गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाती है, तो x की पावर आ जाएगी 2। तो यहाँ पर x की पावर 2 है और x की पावर 2, तो गुणा करने पर घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये तो बड़ा आसान है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ x है, तो यहाँ तो घात 3 है और यहाँ घात 1 भी नहीं है, तो जहाँ कुछ नियुक्ति 1 हो ये आपको याद रखना चाहिए। तो गुणा करने पर घात जुड़ जाएगी, ये कितना हो जाएगा हमारा 4। ये हमारा आसान तरीका। फिर यहाँ x की घात 3 और y की घात है 4, अब यहाँ पे जोड़ना है हमें, तो 3 घात यहाँ है और 4 यहाँ है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि एक्स वाई की घात 7। आप ऐसा सोच रहे होंगे, और ये आंसर बिल्कुल गलत है। अब गलत कैसे है, ये घात है एक्स की और ये घात है वाई की, तो इन्हें हम जोड़ नहीं सकते। तो घात केवल और केवल तभी जुड़ती है जब दोनों ही एक जैसे हो। तो फिर इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा x की 3 और y की 4, बस जो का त्यो, बीच में अगर कुछ नहीं तो गुणा तो है ही हमारे, तो यहाँ हम घात को जोड़ नहीं सकते। घात को जोड़ने के लिए आधार भी समान होने चाहिए। तो चलो एक लाइन में इस बात को पहले लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं गुणा करने पर घातें जुड़ती है, जबकि आधार समान होने चाहिए। आधार समान का मतलब है कि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, कि अगर x की पावर 3 है और x की पावर 10 है तो यहाँ जोड़ सकते हैं, x की पावर 13 हो जाएगी, क्योंकि दोनों पावर x की है। ऐसा कतई नहीं जोड़ सकते कि y की पावर 10 और x की पावर 5 और यहाँ हमने 15 कर दी, तो यहाँ 15 बिल्कुल भी नहीं होगा, बस इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 5 और y की पावर 10। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। तो इस तरीके से हम गुणा को समझ सकते हैं धीरे धीरे। अब गुणा की एक कड़ी को बढ़ाते हैं इससे आगे, तो आगे इनके सवाल, तो बच्चों देखते हैं कि इससे आगे गुणा को हम कैसे करेंगे। तो जैसा हमारा यह है कि ए गुणा बी गुणा ए गुणा बी, इस तरीके से चार है हमारे। तो एक बात आपको याद है कि जिसकी घात कुछ नहीं होती एक हो, तो सबकी घात में कुछ नहीं है तो एक तो है। और गुणा करते समय यदि x है तो x में घात जुड़ेगी और y की y में, तो यहाँ a की घात a में जुड़ेगी, तो a की घात 1 और 1 a की घात हो जाएगी 2, और b की घात 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो b की घात हो जाएगी 2, इस तरीके से। तो जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि घात 2 ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी और सी स्क्वायर, तो आसान है। ए की घात यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ बी की घात एक और एक, अब सबको जोड़ देते हैं। जोड़ते समय याद ये रखना है कि ए की घात ए में ही जुड़ेगी और बी की बी में ही, तो ए की घात एक यहाँ है और दो यहाँ है, तो ए की घात होगी 3। बी की घात एक यहाँ है दो यहाँ है, तो बी की घात भी होगी 3, और सी की घात भी कितनी हो जाएगी 3। इस आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास एक्स प्लस 5 और x प्लस 3,
इन दोनों के आपस में गुणा करानी है, जिनके बीच में कुछ नहीं होता बच्चों, गुणा ही होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5x लिख दिया तो इसका मतलब है 5 गुणा x। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जिसके सामने कुछ नहीं तो प्लस, और जिसके बीच में कुछ नहीं उनके बीच में गुणा। तो इस तरह की गुणा को कैसे समझेंगे ज़रा देख लो। तो पहले हमें x लिखना होता है, उसके सामने ये पूरा, फिर उसके बाद ये 5 प्लस, और फिर उसके सामने ये पूरा। अब इसकी करनी है अंदर गुणा, एक बार यहाँ करेंगे एक बार यहाँ। तो जब x की x में गुणा करेंगे तो x की x में गुणा इस तरीके से होती है, जहाँ घात कुछ नहीं एक, ये आ जाएगा x की घात 2। इसे हम कहते हैं एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और जब x की 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस। अब 5 की यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 5x, और 5 की जब यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 5 × 3 = 15। उसके बाद x की घात 2 तो एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, 3x ये रहे और 5x ये रहे, तो दोनों को जोड़ दो ना, तो ये आ जाएंगे हमारे 8x, और ये आ जाएंगे यहाँ पे हमारे 15। तो इस तरीके से हम दोनों की गुणा कर सकते हैं आसानी से। ये दोनों एक साथ नहीं जोड़ने के, क्योंकि ये है हमारा 8x और ये है 15, तो 15 और 8 23 का तय ना कर दियो, क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो ये हमारे x वाले हैं, ये बिना x वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये आपस में जुड़ नहीं सकते। तो इस तरीके की गुणा आप आसानी से कर सकते हो। एक सवाल और लेते हैं हम, इसका कैसे समझना है। पहले x लिखते हैं, उसके सामने ये पूरा x + 10, फिर यहाँ पर 4, और फिर उसके सामने x + 10। अब इसके अंदर गुणा करनी है, जब x के x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और जब यहाँ 10 में करेंगे तो 10x, फिर जब 4 की यहाँ पे करेंगे तो 4x, और जब 4 की 10 में करेंगे तो 4 × 2 = 2x। तो ये आ गया x स्क्वायर। 10x और 4x कितने होते हैं, ये हमारे होते हैं 14x, और यहाँ आ जाएगा हमारा 40। तो ये हमारा आ गया आंसर। बिल्कुल आसान तरीके से हम इन्हें की गुणा आपस में कर सकते हैं। एक सवाल ये है हमारा, अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पे पहले y लिखेंगे, उसके सामने y - 4, फिर +2, और इसके सामने y - 4। अब अंदर करेंगे इसकी गुणा, तो जो y की y में गुणा करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि गुणा करने पे घात जुड़ती है, और यहाँ भी घात एक है, यहाँ भी घात एक है। माइनस, जब इसकी यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 4y, और जब यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 2 की y में करेंगे तो 2y, और जब 2 की करेंगे 4 में। तो यहाँ थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि प्लस के पहले माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, और 2 की 4 में करेंगे तो आ जाएगा 8। माइनस के तो 4y है, प्लस के 2y है, तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस वाले ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा है, तो ये उससे 2 ज़्यादा है, तो माइनस के 2y और -8, ये हमारा हुआ आंसर। तो इस तरीके से हम इनके गुणा कर सकते हैं। तो गुणा के साथ साथ आपने कक्षा 7 ही में पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो भी यहाँ गुणा से ही ऐसे बन के आए। अब हम उनको करते हैं सिद्ध कि वो कैसे आए, बीज व्यंजकों की गुणा में ही उनका भी है। तो ये है हमारा a + b, और ये हमारा हुआ a + b। गुणा करनी है सेम वैसे ही तरीका, पहले a लिखते हैं, उसके सामने a + b, उसके बाद फिर b लिखते हैं, और उसके सामने a + b। a के अंदर गुणा करनी है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, और जब a की b में करोगे तो आ जाएगा ab प्लस, फिर b की गुणा a में करनी है तो आ जाएगा ba, तो ba को आप ab लिख सकते हो। अब कुछ बच्चे समझेंगे कैसे ba क्यों नहीं लिखा, ab क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि BA = AB के होता है, बस सिर्फ यहाँ
इनके स्थान बदल गए तो गुणा में फर्क नहीं पड़ता। जैसे तीन दुनी हमारे ये भी छः होते हैं, अब मैं दो तिया ऐसे लिखूँ तब भी कितने होते हैं, छः। तो गुणा में हम आपस में बदल कर लिख सकते हैं। तो बी ए ना लिखते हुए ए भी लिख दे, ये थोड़ा देखने में सुंदर लगता है प्लस। और फिर बी की गुणा बी में करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर, ए बी और ए बी, तो ये हो गया हमारे दो ए बी प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर। जिनके बीच में कुछ नहीं गुणा और जिनकी घात कुछ नहीं उनकी घात होती है एक, और दोनों एक जैसे अगर हो तो गुणा करने पे घात जुड़ जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी की घात दो, और इसी को हम पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बराबर होता किसके है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी, ऐसा भी कहा जा सकता है। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही बात सही है कि बी स्क्वायर को यहाँ नहीं पहुँचते। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सिद्ध होता है हमने ये सीखा। सेम इसी तरीके से हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको एक एक बात को समझते हुए चलना है। तो ये हमारा a माइनस बी और a माइनस बी, अब इनके आपस में गुणा करानी है तो a लिख लेते हैं, उसके सामने a माइनस बी, फिर माइनस बी लिख लेते हैं और उसके सामने a माइनस बी, ये लाइन तो लिखनी आ गई। अब a की जब a में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस a की जब b में गुणा कराएंगे तो ए बी। अब जिसके सामने कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है और यहाँ है माइनस, तो माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, और b की a में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा b a आएगा वैसे पर हम लिखेंगे ए बी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और b की b में करेंगे तो बी स्क्वायर। ये तो हमारा स्क्वायर है, माइनस ए बी माइनस ए बी तो माइनस टू ए बी दो हो गए जैसे, प्लस के बी स्क्वायर। तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जिनके बीच में कुछ नहीं होता गुणा होती है, और जिनकी घात कुछ नहीं एक होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता किसके बराबर है इसके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे स्टार्टिंग में लिख लिया, माइनस के टू ए बी, ये भी बात सही है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल वर्क किस तरीके से सिद्ध हुआ ये हमने यहाँ पे देखा। इससे आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए रखते हैं बच्चों इतना ही। आपको दो सवाल इसमें करने हैं जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो पहला है 5x प्लस 2 और 7x प्लस 3, इनके आपस में गुणा करानी है। और दूसरा है x प्लस y, इसकी गुणा x प्लस y में करानी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा।